मैं हूं अंजलि भंडारी और हमारे खास कार्यक्रम वन बाथरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहे कि बचपन इंसान की जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा होता है, जिसमें वो खेल कूद पढ़ाई लिखाई से लेकर सारे पलों को जीता है, अपने खूबसूरत भविष्य के सपने संजोता है। लेकिन उस बचपन के बारे में आप क्यों कहेंगे जो कि किताबों से दूर मजदूरी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे आप विधायक अलका लामा जी, हमारे साथ इस चर्चा जुड़ेंगी। साथ ही साथ रायपुर से देवव्रत सिंह जो कि कांग्रेस नेता है वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, और साथ ही साथ लखनऊ से बीजेपी नेता दिनेश दुबे जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, और हमारे स्टूडियो से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकेश आनंद जी जो कि बताएंगे आखिर क्या कितने कानून बनने के बाद क्या कुछ लूपहोल्स रह जाते हैं, कि आखिरकार इन कानूनों को इंप्लीमेंट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो चर्चा की शुरुआत जरूर करेंगे, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। दरअसल पूरे एशिया में भारत और उसकी राजधानी दिल्ली बाल श्रम और मानव तस्करी का बड़ा गढ़ मानी जाती है, लेकिन केंद्रीय कैबिनेट ने बाल श्रम पर रोक लगाने वाले कानून को नरम बनाने की मंजूरी दे दी है। देखिए एक खास रिपोर्ट। मजदूरी की जंजीरों में जकड़ा बचपन, खेलने और पढ़ने की उम्र में काम के बोझ में दबा बचपन, मजबूरी की आंच से फिसलता बचपन, आखिर कब इस दलदल से निकलेगा बचपन? बचपन इंसान की जिंदगी का वो खूबसूरत लम्हा जो पढ़ाई लिखाई और खेल कूद में बीतता है, लेकिन उस बचपन का क्या जो मजबूरी की बेड़ियों में जकड़ा हो, मजदूरी के दलदल में कहीं खो गया हो, गुम सा हो गया हो। आज दुनिया भर में 215 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जो बाल मजदूरी का शिकार हैं। वहीं भारत पूरे एशिया में इकलौता ऐसा गढ़ है जहां सबसे ज्यादा बाल मजदूरी होती है। बाल मजदूरी के मामले में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, असम, कर्नाटक जैसे राज्य सबसे आगे हैं, और ना सिर्फ बाल मजदूरी बल्कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी के मामले में भी इन राज्यों में स्थिति खासी गंभीर है। तो दूसरी तरफ मोदी सरकार चाइल्ड लेबर एक्ट में संशोधन की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि सरकार कुछ चुनिंदा पारिवारिक उद्योगों में 14 साल के बच्चों को काम करने की इजाजत देने के लिए बाल श्रम कानूनों में छूट देने की योजना बना रही है। इससे बच्चे सिर्फ उन उद्योगों में काम कर पाएंगे जिससे उनकी पढ़ाई पर असर ना पड़े। इस कानून के अनुसार श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव में नए नियम मनोरंजन और खेल जगत के लिए भी होंगे, हालांकि ये नियम सर्कस में लागू नहीं होंगे। वहीं नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने बाल श्रम पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि 14 साल तक के बच्चों को हर तरह की बाल मजदूरी से रोका जाए। भोपाल में प्रेस को संबोधित करते हुए सत्यार्थी ने बाल श्रम कानून में संशोधन के सवाल पर कहा कि सरकार पुराने नियमों पर मुहर लगा रही है, यानी कुल मिलाकर जहां एक ओर कैलाश सत्यार्थी बाल श्रम को जड़ से खत्म करने की बात कर रहे हैं, वहीं सरकार इस कानून में संशोधन कर इसे बढ़ावा दे रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मासूमों को मजदूरी और मानव तस्करी के घिनौने दलदल से कब छुटकारा मिल पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। जी हाँ बिल्कुल, मजदूरी के दलदल में फंसा बचपन, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर जो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बाल श्रम कानून में संशोधन कितना सही है, बड़ा सवाल उठ रहा है। इसके जो लीगली मायने हैं वो हम जान लेते हैं। मुकेश आनंद जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, शुरुआत चर्चा की आपसे करना चाहूंगी। जिस तरीके से हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है कि अब बाल श्रम कानून में संशोधन किया जाना चाहिए, लेकिन कितना सही है?
देखिए, अभी जो बाल श्रम कानून है उसको ही हम पूरी तरह से लागू नहीं कर पा रहे जी। इसका सबसे बड़ा कारण है, एक तो लॉ का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता जी, मिसयूज होता है, और बहुत सारे जो केसेस हैं उसमें जानकारी रहते हुए भी लोग एक्शन नहीं ले पाते जी, क्योंकि लोग इतने गरीब होते हैं कि वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और बाकी चीजों करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। केसेस सिर्फ उसी में एक्शन हो पाते हैं जो शायद कोई एनजीओ लेता है या कोई इस तरह की संस्थाएं लेती हैं। अब इन्होंने जो अमेंडमेंट प्रपोज किए हैं उसमें इन्होंने कहा कि स्कूल आवर्स के बाद बच्चे अगर काम करें या छुट्टियों में काम करें, अगर आप साधारण परिवार से भी आते हैं तो आपको पता है सारा टाइम देने के बावजूद भी इतना होमवर्क होता है और बाकी चीजें होती हैं कि फुल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड के लिए उसका आराम करना भी जरूरी है। एक तो पढ़ाई हो नहीं पा रही है, क्वालिटी गरीबी एक मुख्य वजह है, इस पर हम चर्चा करेंगे। मुकेश जी, अलका लांबा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, लेकिन अगर जिस तरीके से आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले मैं लेना चाहूंगी, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाल श्रम कानून में संशोधन को मंजूरी दी, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर क्या सही है? देखिए, मैं वही कहूंगी जो सत्यार्थी जी ने कहा है कि किसी तरीके के भी बाल श्रम के हम सख्त खिलाफ हैं जी। कुछ चीजों में फिर वही बात है कि 14 से 14 से नीचे के बच्चे जिनका अधिकार है कि वो शिक्षा के अधिकार कानून के तहत जिन स्कूलों में होना चाहिए वो स्कूलों में ना होकर जो है वो बिल्कुल इस तरीके के काम में होंगे, जैसे बीड़ी बनाने की बात है या चौराहे पर आप सामान बेच रहे हैं या और भी घर के में आप कह रहे कामों में मदद करें, पर आप शिक्षा से कहीं ना कहीं वंचित रख रहे हैं। आप कहते हैं स्कूल जाएं, स्कूल के बाद काम करें, इस पे आपत्ति नहीं है कि उनकी शिक्षा जारी रहे। आप उन पर दबाव बना रहे हैं कि वो अगर स्कूल जाते हैं और उसके बाद वो घर के काम या इस तरह के काम जिनको आप कह रहे हैं, जैसे बीड़ी बनाने का एक सबसे बड़ा उद्योग है जिसमें 90% से अधिक 10 साल के कम उम्र के हैं, 5 से 14 साल के। तो मुझे लगता है ये जो कानून है इसे किसी भी तरह से चाइल्ड लेबर में को कम करने में कहीं भी मदद नहीं मिलती है। इन बच्चों का हक है कि इनके स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह जी बिल्कुल दिनेश जी बिल्कुल अलका लांबा जी इसका जवाब हम लेंगे। बीजेपी नेता हमारे साथ दिनेश दुबे जी भी बने हुए, लेकिन उससे पहले देवव्रत सिंह जी जो की कांग्रेस नेता है, देवव्रत जी आपके पास आना चाहूंगी। 2012 की अगर बात की जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो जिन्होंने ये विधेयक राज्यसभा में पेश किया था, हालांकि बाद में ये ठंडे बस्ते में चला गया था। यूपी ने भी इसी तरीके का कुछ जो विधेयक है वो लाया गया था, लेकिन एक बात उसमें अच्छी थी कि तमाम तरीके के कारोबारों को इस तरीके के बच्चों के लिए, जो कम आयु के जो बच्चे हैं 14 साल के, उनके लिए प्रतिबंधित रखा था कि वो इसमें काम नहीं करेंगे। लेकिन अब जिस तरीके का संशोधन जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो मंजूरी दी है उस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखिए, हम लोग तो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि मोदी जी की जो सरकार है वो कॉरपोरेट के लिए काम कर रही है। देखिए, ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, न केवल बच्चों की तस्करी का मामला, न केवल बच्चों के रोजगार का मामला, बल्कि आप ये देखें कि 14 साल की जो आय जो एज तय की गई थी ये इंटरनेशनल नॉर्म्स में तय हुई। कांग्रेस इसका सख्त रूप से विरोध करेगी इस संशोधन का, और कांग्रेस इस भावना से मजबूती से अपने आप को मजबूत पाती है कि इस प्रकार के संशोधन की ना कोई आवश्यकता है, जरूरत है, बल्कि हमको तो कैलाश सत्यार्थी जी को इतना बड़ा पुरस्कार जो बचपन बचाओ आंदोलन के लिए मिला, नोबेल प्राइज मिला जी। उसको इस कानून को और मजबूत करने की जरूरत है। ये तो कानून को डाइल्यूट करके कहीं ना कहीं उद्योग जगत को फायदा पहुंचाने की बात हो रही है। बिल्कुल, गरीब व्यक्ति जब उसको रोजगार मिल जाएगा तो कैसे तय करेगा कि स्कूल कब जाना है और काम पे कब जाना, जो काम पे उसे रखेगा वो क्यों स्कूल जाने देगा उसको? बिल्कुल, जवाब ले लेते हैं दिनेश दुबे जी, क्या कहेंगे आप? आखिर केंद्रीय कैबिनेट द्वारा इस तरीके के संशोधन के पीछे का लक्ष्य क्या? हर तरफ तो हर कोई तो इसकी खिलाफत कर रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो और नरमी बरती जा रही है बाल श्रम कानून में। चाहता हूं इस तरीके की मोदी सरकार श्रम बाल श्रम को बाल श्रम जो यह कानून बना है इस कानून को और प्रभावी मजबूती के ढंग से मोदी सरकार लागू करने जा रही है, और प्रत्येक बाल श्रम के बच्चों को कैसे खेल में, कैसे मनोरंजन में, कैसे शिक्षा में बढ़ोतरी मिले, कैसे उनका शिक्षा 3% आगे बढ़े, इसके लिए मोदी सरकार बहुत चिंतित है। और मोदी सरकार बाल श्रम के बच्चों के लिए बहुत सारे प्रोत्साहन ला रही है, जहां जहां बाल श्रमिक उनको लोग परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, काम करा रहे हैं, उससे मुक्त कराने के लिए, बंधक मुक्त कराने के लिए भी सरकार बहुत ही कठोर कार्रवाई कर रही है।
कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार बिल्कुल दिनेश जी अलका लामा जी कुछ बोलना चाह रही है सुन लेते हैं जी पूरी तरह से कटिबद्ध है प्रतिबद्ध है जी अलका लामा जी कुछ बोलना चाह रही है जी देखिए मैं नहीं कह रही नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के एक सदस्य ने इसको खुलासा किया है अब आपकी सरकार है पता करिए कैसा खुलासा जिसमें ये कहा गया है कि राजस्थान और आंध्र प्रदेश से बच्चों को ट्रैफिकिंग किया जाता है और उन्हें गुजरात भेजा जाता है बीड़ी के जो है और टोबैको के बिजनेस के लिए मुझे कहीं ना कहीं साफ तौर से दिखता है कि टोबैको और ये जो बीड़ी का व्यापार धंधा है जिसमें 5 साल से 14 साल के बच्चे जो है वो लगे हुए हैं सिर्फ मुझे लगता है कि उन बड़ी फर्म को जो बीड़ी और तंबाकू के धंधों में है और उनको बढ़ावा देने के लिए उन्हें बचाने के लिए कि 5 से 14 साल के और बच्चों को अगर वो इन्वॉल्व करते हैं तो किसी तरह के किसी कानूनी पचड़े में वो फर्म नहीं फंसेंगी उन्हें बचाने के लिए मुझे लगता है कि इस अमेंडमेंट को लाया गया है ना कि बच्चों को जो है चाइल्ड लेबर से बचाने के लिए जी मैं पूछना चाहूंगी कि किस तरीके से 14 साल से कम बच्चों को बीड़ी और तंबाकू के धंधों में आप लगा के किस तरीके से उन्हें जो है आप चाइल्ड लेबर से मुक्त कर रही है बता जवाब लेंगे अलका लामा जी लेकिन अलका लामा जी एक दरअसल एक वीडियो हम दिखाना चाहेंगे दरअसल इस वीडियो में ये है कि आम आदमी पार्टी जो कि जब जिस दौरान चुनाव हो रहे थे उस दौरान कुछ बच्चे आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार करते दिखे थे उस पर आप क्या कहेंगे वो विजुअल हम अभी फिलहाल दिखाते हैं कि किस तरीके से जो कुछ छोटे छोटे बच्चे थे वो आम आदमी पार्टी की जो टोपियां पहनकर हाथ में झाड़ू लेकर किस तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे अरे भैया सुन तो लो कौन बोला झाड़ू लगाने के लिए केजरीवाल रवि भैया आशुतोष बोला बच्चा सबसे ऐसे ही झाड़ू लगवा रहा है सुबह सुबह नारे लगवा रहा है आप लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ के यही झाड़ू भी बांट रहे हो सुबह सुबह अच्छा आज संडे है तो आप लोग झाड़ू बांटोगे आज आपकी पढ़ाई यही चल रही है झाड़ू बांटने वाली केजरीवाल बोला किसने बोला आपके रवि भैया ने बोला क्या बोला रवि भैया ने झाड़ू बांटो अलका लामा जी ये हमने कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं हाथ में झाड़ू और सर पे आम आदमी पार्टी की टोपी लेकर जब उनसे पूछा गया कि किसने बोला तो आप ही पार्टी के जो नेता हैं आशुतोष उनका नाम ले रहे हैं देखिए मुझे लगता है अगर आपको चाइल्ड लेबर की परिभाषा नहीं पता तो ये डिबेट ही बंद कर दीजिए यहाँ पर लेबर क्या होता है चाइल्ड लेबर मतलब आप किसी बच्चे को जबरन काम करा रहे हैं आप 14 घंटे तय समय सीमा से ज्यादा काम करा रहे हैं आप पैसा नहीं दे रहे आप उसके स्वास्थ्य शिक्षा से समझौता कर रहे हैं आप निरंतर काम करा रहे हैं ये एक चुनाव में 10 दिन के अंदर एक माहौल इस तरह से बच्चों के लिए तो मैं कहूंगी बहुत लेकिन महोत्सव का मालका लामा जी 14 साल से कम उम्र के बच्चे चाहे किसी भी तरीके से काम करें वो बाल श्रम कानून का उल्लंघन ही तो होता है ये काम नहीं है ये बिल्कुल काम नहीं है मैं फिर कह रही हूँ चाइल्ड लेबर की परिभाषा को आप परिभाषित करिए क्या इन बच्चों को हमने पेड़ रखा था 15 दिन के लिए कि 15 दिन को स्कूल को छोड़कर आप झाड़ू हाथ में लगे झाड़ू लगाएंगे आपको पे किया जाएगा 14 से 15 और इनके माँ बाप को कुछ मालूम नहीं था साबित करिए राजनीति मत करिए बात कर रही है छोटे बच्चे चुनावी प्रचार में चल रहे हैं चलिए आपका मानना है चलिए देवव्रत जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी देवव्रत जी कहिए ये देखिए मेरा कहना है कि ये बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी में आपको दिखाऊंगी डाइल्यूट करने का प्रयास एक्टिव किया जा रहा है जी मेरा कहना राजनीतिक गतिविधियों में तो लोग बच्चे शामिल होते हैं उसको कोशिश ये होना चाहिए कि ऐसा ना हो लेकिन आज जो प्रमुख मुद्दा ये है कि केंद्र की कैबिनेट सरकार इस इतने महत्वपूर्ण एक्ट को पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है और आज जब इस सरकार को 1 वर्ष हो रहा है नोबल प्राइज हमको इस कार्य के मिला कि देश में इतने बड़े पैमाने पर चत्रजी के नेतृत्व में बाल श्रम उन्मूलन में और बचपन बचाओ आंदोलन को इतना बड़ा काम हुआ और आज इस सरकार को जब 1 साल होने के जा रहा है तो नोबल प्राइज की जो भावना है उसके ठीक विपरीत इस कानून को डाइल्यूट करके कमजोर करने की कोशिश हो रही है इसका तो विरोध होना चाहिए और क्या कारण ऐसा बन पड़ा ऐसी कौन सी मुसीबत सरकार पे आ गई कि इतने महत्वपूर्ण जो नियम है चाहे लैंड ऑर्डिनेंस का बिल हो
और उसको छोड़कर इस तरह के ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं, इस तरह के नियम लेके आ रहे हैं जिसमें कि बाल श्रम उन्मूलन जो कि बहुत मुश्किल से बना 1986 में जब इसको बनाया गया, और आज देश की स्थिति यह है कि लगभग आज 50 करोड़ बच्चे इससे प्रभावित है। आज उनका शारीरिक शोषण हो रहा है, आज उनका यौन शोषण हो रहा है, आज उनको बाहर भेजा जा रहा है, पहले लोगों को काम पर बुलाया जाता है। बिल्कुल देवरा जी आपके पास, जी बिल्कुल देवरा जी आपके पास आएंगे मुकेश आनंद जी, जिस तरीके की तस्वीर, जी बिल्कुल देवरा जी आपके पास आएंगे मुकेश जी जिस तरीके की तस्वीरें हमने दिखाई, हालांकि अलका लामा जी कह रही थी कि इसे आप बाल श्रम कानून के उल्लंघन नहीं कह सकते, लेकिन अगर लीगल एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो क्या ये बाल श्रम कानून का उल्लंघन नहीं है कि छोटे छोटे बच्चे चुनावी प्रचार प्रसार में निकल पड़े हैं? देखिए, बाल श्रम किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए। अब मुझे अलका लामा जी ने कहा कि पता नहीं है किस बैकग्राउंड में ये कर रहे थे, इन चीजों को देवव्रत जी ने कहा अवॉइड करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा जिस तरह से वो दिखा रहा था कि शायद ट्यूटर्ड थे वो बच्चे और बार बार उनसे पूछा जा रहा था, वो कहीं प्रचार में नहीं थे, एक जगह जमा किए गए थे। मूल भावना संविधान में एक अमेंडमेंट किया गया था, आर्टिकल 21A ऐड किया गया, राइट टू एजुकेशन, जिसमें ये कहा गया कि 14 साल तक के बच्चों का एजुकेशन फ्री होगा और स्टेट प्रोवाइड करेगा अगर उनके पास उन चीजों को लेने की क्षमता नहीं है। तो ये बाल श्रम कानून उसके सिंक में है कि 14 वर्ष तक वो काम नहीं कर सकते, अगर काम करेंगे तो फिर वो पढ़ाई नहीं कर सकते। इन दोनों चीज को अगर मिला दिया जाए, दोनों चीजों को, तो सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि 14 साल तक उनको काम के बारे में बिल्कुल ना सोचना पड़े। मिड डे मील स्कीम है, स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, तो इसको डाइल्यूट करने के अलावा इसको तो और स्ट्रेंथन करना चाहिए था। और ये मैसेज गलत जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय हमारी कमिटमेंट्स हैं, जो संविधान की मूल भावना है, उसमें यह है कि 14 साल तक के बच्चे जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से इतने परिपक्व नहीं होते कि बड़े होकर वो ऐसे लोग बने, ऐसे पुरुष और ऐसी महिलाएं हों जो देश के विकास में योगदान कर सके। जी बिल्कुल, ये मूल भावना है इस श्रम कानून। मुकेश जी आएंगे आपके पास, अलका लामा जी कुछ बोल रही है, नहीं करना चाहिए। जी चलिए अलका लामा जी। जी देखिए, दिल्ली के आम आदमी पार्टी सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली के अंदर टोबैको के ऊपर पूरी तरीके से बैन किया, लेकिन तुरंत लोग जो है अपना फायदा, जो व्यापारी है जिन्होंने चुनावों के लिए पैसा दिया उनका हित सोचते हुए तुरंत जो है इस बैन को दिल्ली में, क्योंकि केंद्र शासित राज्य है, हम कुछ भी करेंगे आप उसके विपरीत जाएंगे, केंद्र सरकार, हमने टोबैको पे बैन लगाया, अपने टोबैको पे बैन को हटा दिया। आज वही है, ये 14 साल से नीचे के जो बच्चे हैं, कम से कम नहीं तो मेरे आंकड़े बता रहा है कि 900 हजार बच्चे जो हैं आज भी टोबैको और बीड़ी के धंधे में हैं। अगर आप इस कानून में अमेंडमेंट लाकर बच्चों को फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, आप सीधा टोबैको कंपनियों को फायदा पहुंचा रहे हैं, उन्हें लीगल बंदिशों से बाहर कर रहे हैं कि कोई बच्चा 4-5 साल से 14 साल के आपके यहाँ टोबैको बीड़ी बनाता है तो वो बना सकता है, लेकिन जैसे अभी किसी ने कहा सूचना राइट ऑफ एजुकेशन से वंचित कर रहे हैं आप उस बच्चे को, आप बहाना ढूंढ रहे हैं कि सुबह स्कूल जाइए रात को बीड़ी बनाइए, ये बच्चे का बचपना आप छीन रहे हैं। लेकिन अलका लामा जी, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? क्योंकि अगर फर्स्ट पोस्ट के जो आंकड़े हैं उन्हें कहा जाए तो उनका ये कहना है कि जो दिल्ली है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी का गढ़ माना जाता है, गंभीर स्थिति है दिल्ली में। देखिए, मैं इस बात से सहमत हूँ, मैं तो कह रही हूँ दिल्ली में टोबैको बैन होना चाहिए, 14 साल के जो कम बच्चों को भी ये अमेंडमेंट जो एनडीए लाया है वो इजाजत देता है उन्हें काम करने की। हमारा बस है, क्योंकि केंद्र शासित राज्य में, फिर कहूंगी मैं, हमारा बस पूरी तरीके से चले तो हम बिल्कुल टोबैको पे बैन करेंगे, 14 साल से नीचे के बच्चों को किसी भी तरह के काम से बिल्कुल बाहर रखते हुए उन्हें उनके शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, उनका बचपना उन्हें लौटाना, ये हमारा सबसे पहली प्राथमिकता है। और फिलहाल बचपन बचाओ आंदोलन के चेयरपर्सन आर के चौरसिया के साथ खास बातचीत किए हमारी संवाददाता अमित दुबे ने, आइए आपको दिखाते हैं। देश में बाल मजदूरी रोकने के लिए यूं तो कई संस्थाएं काम कर रही हैं, कई सरकारी पॉलिसियां बनी हैं, लेकिन स्थिति जो है वो जस की तस बनी हुई। आइए हम इस पर बात करते हैं, बचपन बचाओ आंदोलन के चेयरपर्सन है हमारे पास में आर के चौरसिया जी। सर, क्या कारण है जो अब तक बाल मजदूरी पे अंकुश नहीं लग पाया? ये उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देश में गरीबी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, सबके काम बंद होते जा रहे हैं, ऐसे लोग जो है गांव छोड़कर शहरों की ओर भाग रहे हैं, और शहरों में पहले तो अपने वो बच्चों को भी भेजते थे, अब भी बच्चों को भेजते हैं, कुछ परिवार के साथ आते हैं, चूँकि उनके यहाँ काम नहीं है इसलिए बच्चों को भेजते हैं, बच्चे जो भी मजदूरी मिल जाए उस मजदूरी पर वो काम करते हैं। इस तरह से एक ही बड़ा ही विशेष सर्किल है जिसकी वजह से देश में
ऐसे इलाकों में गरीबी बढ़ रही है और गरीबी बढ़ने की वजह से बच्चों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है शहरों में। खास करके कुछ आपके संस्था जो लगातार काम करे, बहुत से बंधुआ मजदूर हैं जिन्हें आपकी संस्था ने, कई ऐसे उदाहरण हैं जिन लोगों को छुड़वाया गया है, लेकिन ज्यादातर लोग हैं जैसा कि आप बता रहे थे कि वो स्वेच्छा से मजदूरी करें, खुद उनके गार्जियंस उस चीज को अलाउ करें, क्या लगता है कि कहाँ पे कमी रह रही, समाज की तरफ से है या सरकार की तरफ से? देखिए, इसमें समाज और सरकार दोनों की कमी है। सरकार की जिम्मेदारी ये थी कि पिछड़े इलाकों को का विकास वो करते, आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराते, पानी की व्यवस्था छोटे खेतों में करते, वो छोटे छोटे कल कारखानों को, गृह उद्योग को, कुटीर उद्योग को वो डेवलप करते, जैसे चाइना में हुआ। बिल्कुल, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दिनेश दुबे जी, आपके पास समझ आऊंगी, 22 साल लग गए इस तरीके के कानूनों को अगर देखा जाए, लेकिन 22 साल बाद भी बाल श्रम को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया गया अगर देखा जाए, और उल्टा जिस सरकार से आशा थी कि हाँ कुछ करेगी, बाल श्रम कानून को और मजबूत करेगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि बाल श्रम को रोकने की बजाय इस कानून को और नरमी दे दी गई है केंद्रीय कैबिनेट द्वारा? हालांकि जो आगे का फैसला तो संसद में जब पेश होगा तब उस पर मोहर लगेगी, लेकिन केंद्रीय कैबिनेट द्वारा इस तरीके की मंजूरी, आपको नहीं लगता कि नरमी दिखाई जा रही है? देखिए, ऐसा है कि जो कुछ मोदी सरकार कर रही है वह बच्चों के लिए कर रही है, उनकी शिक्षा स्तर को उठाने के लिए, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए, उनका जीवन विकसित कैसे हो, कंप्यूटर कैसे सीखे, इंजीनियर कैसे बने, इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारी कैसे, सोशल मीडिया की जानकारी कैसे रखे, उसके लिए मोदी सरकार पूरी तरह से बालकों के लिए चाहती है, उनको श्रम कराने के लिए कोई मोदी सरकार पूरी तरह से। दिनेश दुबे जी, संशोधन देखिए, संशोधन यहाँ पर क्या किया गया है कि जो बच्चे हैं वो अपने पारिवारिक जो कारोबार है उसमें काम कर सकते हैं, लेकिन ये कि छुट्टियों में और साथ ही साथ पढ़ाई के बाद, लेकिन क्या किस तरीके से डिफाइन करेगी कि वो जो कारोबार है वो पारिवारिक है और वो हानिकारक नहीं है उन बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, किस तरीके से डिफाइन करेंगे सर? देखिए, जब बच्चा स्कूल से छूटता है तो वो मनोरंजन की दृष्टि से अपनी जान बढ़ा सकता है, वो जनरल नॉलेज बढ़ा सकता है, वह कंप्यूटर के बारे में जानकारी रख सकता है, इसके लिए सरकार चाह रही है। सरकार उसे श्रम नहीं करना चाह रही है, सरकार चाहती है कि पूरे भारत के जो बच्चे हैं उनको श्रम करना ही नहीं पड़ा, उनका माइंड विकास हो। अलका लामा जी, कुछ कहना चाह रही है? जी जी नहीं, मैं बीजेपी के स्पोक्सपर्सन से एक सीधा प्रश्न करना चाहती हूँ, सीधा जवाब चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लोग आपके चैनल को देख रहे हैं। आपने कहा कि हमने उम्र जो 14 साल से कम के बच्चों की थी काम नहीं कर सकते, उसमें आपने बदलाव लाया, अब आपका बिल ये कहता है कि अब 5 से 14 साल वाले बच्चे भी कुछ ऐसे काम है जो कर सकते, जैसे घरों में काम है, आपने चाइल्ड अब्यूज देखा, घरों में बच्चों से काम कराया जाता है और उनको कम पैसा दिया जाता है, ज्यादा समय के लिए काम कराया जाता है, और चाइल्ड अब्यूज भी होता है, सेक्सुअल अब्यूज होता है बच्चों के साथ। मैं बीजेपी के इस नेता से पूछना चाहती हूँ, आप जो अमेंडमेंट लाए हैं इन बच्चों की किस तरीके से विकास में मदद करेगा, प्लीज बताएं जी। कहिए दिनेश दुबे जी, आपका सवाल था ये। मैडम, पूरे देश में 5 करोड़ बच्चों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था है, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था है, उनके रहने की व्यवस्था है, उनकी शिक्षा की व्यवस्था है, लेकिन जो ये लोग गुमराह कर रहे हैं कि यह सरकार कारपोरेट की है, यह सरकार गरीबों के लिए बनी है और गरीबों के लिए काम कर रही है, केवल इस सरकार को लोग बदनाम। बात यहाँ पर गरीबी की तो है, गरीबी की वजह से ही तो अशिक्षा है और उसके बाद जो ये बाल श्रम है वो बढ़ता जा रहा है। चलिए, आपके पास भी आएंगे, एक दर्शक फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हें सुन लेते हैं पहले। जी, मैं साइना बोल रही हूँ दिल्ली से। जिस तरीके से बाल मजदूरी को लेकर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में संशोधन हुआ है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इस तरीके का संशोधन कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनके जीवन पर असर डालता है। 14 साल के बच्चे बहुत मासूम होते हैं, भले वो स्वेच्छा से ही काम करे, लेकिन ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, और पूरे समाज की एक जिम्मेदारी बनती है कि मानसिक और व्यक्तित्व उनका कैसे निकले, इस पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाए, ना कि वो अगर स्वेच्छा से काम कर रहे हो तो उन्हें मजदूरी कर ले। अलका लामा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जैसे कि देवव्रत सिंह जी भी कह रहे थे कि संशोधन की जरूरत क्या है, कानून तो बना हुआ है बस उस पर अमल करिए पहले, आप संशोधन किस लिए कर रहे हैं, कारोबारियों को फायदा पहुंचाने की तो जरूरत नहीं है सरकार की?
देखिए मैं वो कह रही हूँ, 5 साल से 14 साल के 90% बच्चे जो हैं वो टबैको और बीड़ी बनाने के धंधे में हैं। और सबसे ज्यादा फिर आप देखिए कि राजस्थान और आंध्रा से जो बच्चों को ट्रैफिकिंग के माध्यम गुजरात लाया जाता है, ये मैं नहीं कई रिपोर्ट कह रही है, वो गुजरात में इसी धंधों में है। तो किसी तरह उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए उन उद्योगों को जो बीड़ी और तंबाकू में इन बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अभी ना अभी किसी न किसी तरह वो कानूनी पर्चड़ों में फंसते हैं। अब वो आराम से अपना धंधा कर सके इसका, तंबाकू का और बीड़ी बनाने का, बच्चों का भरपूर इस्तेमाल कर सके, कोई कार्रवाई ना हो और ये पैसा दुगना करें। दिल्ली जैसी सरकार अगर तंबाकू के ऊपर बैन लगाती है तो तुरंत बैन हटा दिया जाता है। तो मुझे लगता है साफ तौर से दिखता है कि इस जो उद्योग में लगे लोगों को फायदा देने के लिए चाइल्ड अमेंडमेंट एक्ट में बदलाव लाया गया है, ना कि बच्चों को मासूमों को इन चीजों से निकालकर शिक्षा और स्वास्थ्य के अधिकार से इनके प्रोटेक्शन को देखते हुए। बीजेपी के हमारे साथी ने कहा है कि हमने 5 करोड़ बच्चों के रहने के लिए रिहैबिलिटेशन के लिए जो व्यवस्था की है, 1 साल में 5 करोड़ बच्चों की कहां रहने की व्यवस्था की है? दो मुझे बता दे, दो भारत की राजधानी दिल्ली में 2 रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, क्योंकि अभी आपने जिक्र किया दिल्ली में सबसे ज्यादा बच्चों को ट्रैफिकिंग करके लाया जाता है और बनाया जाता है, उनको इन धंधों में लगाया जाता है। मुझे 2 सेंटर बता दें, 5 करोड़ बच्चों की बात छोड़िए, दिल्ली के अंदर 2 सेंटर 1 साल में बनाए हो चाइल्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर के नाम पर इस एक्ट में बदलाव करने से पहले। बिल्कुल दिनेश दुबे जी आपके पास आएंगे, लेकिन इससे पहले बच्चों के जो रिहैबिलिटेशन के लिए काम कर रही प्रयास संस्था के संस्थापक आमोद कंठ से खास बातचीत की हमारी संवाददाता नीलम शुक्ला देवांगन ने। बाल मजदूरी को लेकर और बाल मजदूरों की उम्र को लेकर भारत में लगातार बहस होती रहती है। हमारे साथ बात करने के लिए आमोद कंठ हैं, जो प्रयास संस्था के संस्थापक हैं। आमोद जी, जिस तरह से अब एनडीए गवर्नमेंट एक चेंज करने जा रही है और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को भी अब बाल मजदूरी के लिए बाल मजदूर हो सकते हैं, वो इस बात की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे आप? चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986 में इसका प्रावधान है कि एक ऐसी बॉडी होती है जो सलाह देती है बहुत सारी बातों पे। उसमें मैं भी उसमें एक मेंबर हूँ और कैलाश सत्यार्थी भी उसमें मेंबर हैं। तो हम लोग दोनों, हम और कैलाश भाई, इस विषय पे पिछले 5-6 साल से बहस करते रहे मिनिस्ट्री में कि चाइल्ड लेबर लॉ में चेंज होना चाहिए। दूसरी तरफ उन्होंने ये कह दिया कि बच्चे घर में काम कर सकते हैं या घर के पारिवारिक बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो हमारे लिहाज से, हमारे नहीं बच्चों पे काम करने वाले हर व्यक्ति के लिहाज से इस देश में एकदम नाजायज है, एकदम गलत है। माता पिता पर कोई इस तरह अगर करते हैं, बाल मजदूरी में झोंकते हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई हो सकती, कानूनी कार्रवाई? अब जो कानून बन रहा है उसमें ये तो खैर एक बात हो गई कि परिवार में बच्चा काम करता है, ये वो शायद उसको वो लीगल सैंक्शन दे दे, लेकिन फिर भी इसको लीगल सैंक्शन वो नहीं दे पाएंगे जो मैं कह रहा हूँ कि बच्चे को अगर परिवार वाले ही बेचते हैं या परिवार वाले ही उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। और भी कानून है, इस कानून में तो खैर है ही गलत। तो उसमें अभी जो बताया जा रहा है कि पहली बार अगर डिस्कवर होता है कि ऐसा काम किया गया तो उसको छोड़ देंगे, दूसरी बार अगर माता पिता शामिल होते हैं तो उनको पनिश किया जाएगा या कुछ कानून उसके मुताबिक बन रहा है। तो वहीं प्रयास संस्था के बच्चों के साथ भी हमारी संवाददाता नीलम शुक्ला देवांगन ने खास बातचीत की है। हम इस समय खड़े हैं प्रयास संस्था में, जहां पर अलग अलग स्थानों से बच्चों को लाकर पढ़ाने की कोशिश की जाती है, उनको पढ़ाया जाता है और साथ ही ये कोशिश की जाती है कि उनसे किसी तरह की कोई मजदूरी ना करवा सके कोई। कुछ बच्चे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? अजीबा। कहाँ से आए हो आप? मैं दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ से आए हो, पहले क्या करते थे और अभी क्या करते हो यहाँ पे? यहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ने के बाद क्या बनना चाहते हो? पढ़ने के बाद बड़े होकर हम पुलिस बनना चाहते हैं। मतलब हम दिल्ली में रहते हैं, मदनपुर खादर में, गली नंबर 5 में रहते हैं। जो मतलब हम लोग को अभी 1 महीने भी नहीं हुआ ढंग से, तो फिर मतलब हम लोग को भेजा यहाँ पे पढ़ने के लिए कि हम लोग पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। मतलब मेरी मम्मी भी नहीं है, ना ही पापा, मेरी नानी के अलावा कोई नहीं है। तो फिर मेरी नानी हम लोग को मतलब रख नहीं सकते ना, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे भेजा गया। कहा यहाँ पे रहेंगे, पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे ना, तो तभी हम यहाँ से जा पाएंगे अपने घर। हमारे साथ कुछ और बच्चे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए हो और क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजल है और मैं संगन बिहार से आई हूँ। मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे घर में लड़ाई हो गई थी ना, तो मैं यहाँ पढ़ना चाहती हूँ,
पढ़ती हूँ, मैं यहाँ पे क्लास जाती हूँ बाहर पढ़ने। मेरा नाम रुचि है और मैं यूपी कानपुर से आई हूँ। मैं 12th कर रही हूँ, आगे चल के मुझे डॉक्टर की चाहिए। मैं सरायकले गाँव से NFA क्लास में जाती हूँ और मतलब सिलाई क्लास भी सीखती हूँ। पढ़ के मैं नर्स बनना चाहती हूँ। तो इस संस्था की खासियत ये है कि यहाँ पर आप बच्चों से ये नहीं पूछ सकते कि वो पहले काम करते थे या उनका क्या बैकग्राउंड था। यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनको भी ये पूछने की इजाज़त नहीं है, यानी ये बच्चे एक साफ छवि के साथ यहाँ पर आते हैं, पढ़ाई करते हैं। और जैसा कि आपने सुना, इनके सपने भी बड़े बड़े हैं, ऐसे ही सपने दूसरे बच्चों के भी हैं अगर उनको इस तरह का कोई मौका मिले। मुकेश आनंद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हाल फिलहाल ये सुनने में आया था कि दिल्ली में जिस तरीके से जो मानव तस्करी के मामले हैं वो काफी हद तक बढ़ गए हैं, अगर स्ट्रीट्स पर देख लिया जाए तो जो बच्चे हैं उनसे भीख मंगवाई जा रही है। लेकिन एक पहल की बात यहाँ पर सामने आई थी कि जो बच्चे हैं उनका DNA टेस्ट करवाया जाएगा ताकि पता लग सके कि आखिर ये बच्चे कौन है, कहाँ से आए हैं। क्या इस तरीके के जो प्रयास हैं वो पॉसिबल हैं, सकारात्मक हैं इस दिशा में? देखिए, कानून जो जैसा आप बता रहे हैं, बहुत सारे वायलेशंस अभी भी हो रहे हैं, बिल्कुल दिल्ली में भी हो रहे हैं, खुलेआम हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो BJP के वक्ता है, मैं किसी राजनीतिक तौर पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो कह रहे हैं कि बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जी। पर ऐसा दिख नहीं रहा, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिख रहा है कि आप काम कर रहे हैं तो वो दिखाई दे जी। इससे साफ साफ पता चलता है कि कोई इंटरेस्ट ग्रुप है जो इस तरह के कानूनों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। जरूरत इस बात की थी, अभी हाईकोर्ट में भी एक डिसीजन आया, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था जी। जज साहब ने कहा कि अगर हम इस बच्चे को जिन्होंने रखा हुआ है वहां से हटा लें तो इनके माँ बाप की इतनी कुव्वत नहीं है कि इसको ठीक से पाल पाएंगे। अब कानून के सामने ये समस्या है कि आपने उसको कोई ऑल्टरनेटिव दिया नहीं है। भारत में एक बहुत बड़ा तबका है जहां के लोग डिमोरलाइज्ड हैं। मैं सिर्फ कास्ट स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, एक गरीबों का एक बहुत बड़ा तबका है जो मानसिक रूप से सबल नहीं हो पाते, शारीरिक रूप से नहीं सबल हो पाते, क्योंकि उनका बचपन बहुत बहुत खराब होता है। तो इन चीजों को हटाने के लिए ये श्रम कानून लाया गया था, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए जाते हैं। बिल्कुल, अलका लामा जी कुछ बोल रही है जी। बिल्कुल, देखिए अभी BJP के साथी ने बताया कि नए अमेंडमेंट में 5 करोड़ बच्चों का रिहैबिलिटेशन होगा। मैं इनसे ये एक प्रश्न पूछती हूँ, अगर गरीब परिवार है तो बच्चे के ऊपर जिम्मेदारी नहीं आनी चाहिए 5 से 14 साल के बच्चे की कि वो माँ बाप का पेट पाले? हाँ, अगर माँ बाप इस पोजीशन में नहीं है कि वो बच्चे को एक वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहे, तो बिल्कुल ये 5 करोड़ बच्चों की बात करते हैं तो मुझे लगता है अगर ये जिम्मेदारी पूरी सरकार ले ले तो मुझे लगता है हम चाइल्ड लेबर से पूरा मुक्त कर देंगे। उन बच्चों को अच्छी शिक्षा, उन बच्चों का रहन सहन, सब जिम्मेदारी सरकार ले सकती है, क्योंकि मुझे सुनने में लग रहा है। दिनेश दुबे जी, जवाब दीजिए, क्या सरकार जिम्मेदारी लेने को तैयार है ऐसे बच्चों की? देखिए, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बच्चों के प्रति पूरी तरह से अग्रसित रहते हैं, उनके भावना से ओतप्रोत रहते हैं, उनकी सारी चिंता करते हैं, उनकी पढ़ाई की, उनकी लिखाई की, उनकी जीवन की, उनकी विकास की, उनकी शिक्षा की। कांग्रेस के शासन से 3% एजुकेशन बढ़ाया है बच्चों का, और बच्चों का एजुकेशन अच्छा हुआ है। ये जो विरोधी ये लोग कहते हैं कि ये जो मोदी सरकार का काम दिखता नहीं है, आने वाले समय में आपकी जबान बंद हो जाएगी, जितने काम हो रहे हैं सारे जगह निवास बाल श्रम आवास बन रहे हैं, जिले जिले में जनपदों में बाल श्रम की आवास की जो नींव पड़ गई है उनके लिए गठन हो गए हैं, उनका कोई शोषण न कर पाए, उनका कोई बंधक न बना पाए, उनका कोई जो है दुरुपयोग न करने पाए, इस तरह की हर जगह से भारत सरकार काम कर रही है। लेकिन ये आलोचक जो है ये छोटी सी बात को लेकर के एक पुलिंदा बनाते हैं, अभी वो नियम पास हुआ कि नहीं पास हुआ, लेकिन ये लोग उसकी चर्चा करने लगे, उसका विरोध करने लगे। पहले उसमें जाइए पार्लियामेंट में, पहले वो पास तो हो। देवव्रत जी, बिल्कुल दिनेश दुबे जी, देवव्रत जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन देवव्रत जी आप जवाब दें। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है कि छत्तीसगढ़ में जो बीड़ी बनाने का उद्योग है वो काफी फल फूल रहा है, बच्चे उसमें काफी जो संलिप्त पाए जाते हैं, ऐसे में क्या कुछ कांग्रेस कर रही है इस ओर? देखिए, हम लोगों ने लगातार इस बात का विरोध किया है और पिछले पांच वर्षों में लगभग 450 से लेकर 600 बच्चों को जो बिल्कुल समूह में जाके बीड़ी पत्ता में काम करते हैं उनको काम से मुक्त कराया गया, और इसके लिए कुछ NGO ने बहुत अच्छा काम इस प्रदेश में किया है निश्चित रूप से। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर परेशानी कहाँ होती है, इस बार अप्रैल में जो बजट आया पूरे देश में ऐसे 128 जिले थे जहाँ पर इस प्रकार के वन आधारित जो उद्योग थे जैसे तेंदुपत्ता है और जहाँ पर माइनिंग के काम चलता था, वहाँ पर 128 जिलों में देश में बाल श्रम उन्मूलन परियोजना के तहत में शालाएं चलती थी जिसको NGO के माध्यम से ऐसे बच्चे
जिनके माता पिता दोनों श्रमिक का काम करते हैं, उन्हें दिन में स्कूल में रखा जाता था, उनको पोषण आहार दिया जाता था, उनको पढ़ाई लिखाई की जाती थी, उन सारी बाल श्रम उन्मूलन शालाओं को इस बार बंद कर दिया गया। अप्रैल में कोई बजट नहीं आया, पहले तो जुलाई 2014 में ये बात आई कि उनको बंद करना है, तो जुलाई से लेकर अभी तक तो उनका वेतन भी नहीं मिला, ना उनको उनका अलॉटमेंट दिया गया, और अप्रैल बजट में उसको उस योजना को ही समाप्त कर दिया गया। और आज स्थिति यह है कि वो सारे बच्चे जो बाल श्रम उन्मूलन स्कूल में पढ़ते थे, उनका कहीं स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है, अब वो कहीं के नहीं रह जाएंगे और फिर वही बाल श्रम में लग जाएंगे। तो ऐसी जब भावनाएं सरकार की है तो उस एक्ट में कितना कमजोर करेंगे बाल श्रम को, इसकी उम्मीद की जा सकती है। और आज यदि हम आज चर्चा नहीं करेंगे तो ये बात जाएगी नहीं, पूरे लोगों के बीच में नहीं जाएगी। लेकिन देवव्रत जी, सरकार तो आपकी भी थी, तब क्या हुआ? तब तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, जब राज्यसभा में ये जो विधेयक है मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेश किया था, तब तो इस तरीके की आम सहमति नहीं बन पाई। इस एक्ट के लिए सबसे मजबूती से काम अगर किसी ने किया तो राजीव गांधी जी ने किया था। 1986 में इस एक्ट को राजीव गांधी जी अपने दम पर लेकर 2012 में क्या हुआ सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि 2012 में आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि 2012 में जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये पेश किया राज्यसभा में, तो तब क्यों ठंडे बस्ते में चला गया, उसका उत्तर दीजिए आप। 2012 में तो ये कानून पेश हुआ था, इसकी चर्चा लगातार 2013 में हुई है जी। सदन में 2013 में इस पर कंप्लीट चर्चा हुई है बिल्कुल, और उसके बाद ये बात कमेटी को सौंपा गया बिल्कुल। जब कम्युनिस्ट पार्टी के लोग साथियों ने, कम्युनिस्ट पार्टी के साथियों ने उसमें बहुत सारे संशोधन पेश किए, तब भी कमेटी को सौंपा गया जी। मेरा आपसे निवेदन है कि कांग्रेस इस मामले में बहुत स्पष्ट है, जो आने वाला संशोधन है उसका कांग्रेस विरोध करेगी। आखिरी फाइनल कमेंट लीगली तौर पर अगर ले लिया जाए तो मुकेश आनंद जी आप क्या कहेंगे, कानून काफी बनते रहे हैं, चाहे शिक्षक अधिकार कानून हो या फिर ये फिलहाल आश्रम में संशोधन का जो बात की जा रही है कानून हो, क्या इसे कानून बना देने से ही सब कुछ जो फर्ज है वो निभा लिया जाता है राजनीतिक पार्टियां, या इसे धरती पर भी लाना पड़ेगा? बिल्कुल धरती पर लाना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से अगर आज इस प्रोग्राम के अंत में हम सब ये रण करें कि हम बिल्कुल बाल श्रम पर जीरो टॉलरेंस रखेंगे बिल्कुल, चाहे कानून कुछ भी बने, और हम ये प्रयास करेंगे जैसा कि कांग्रेस अगर विरोध करे तो राज्यसभा में इसका पास होना कानूनी रूप से बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर सभी पार्टियां विरोध करेंगी। और मेरे ख्याल से हम लोगों को बिल्कुल लोगों में मास नहीं फैलाना चाहिए कि बच्चों से काम बिल्कुल नहीं कराया जाएगा और उनके एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा कानूनी रूप से, ये बिल्कुल हम इसके बाध्य हैं जी। बिल्कुल बेहतर बात कही है, चलिए शुक्रिया मुकेश आनंद जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े थे। अलका लांबा जी जो कि आप विधायक हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देवव्रत सिंह जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे इस चर्चा में, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ लखनऊ से हमारे साथ दिनेश दुबे जी बीजेपी नेता है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बात तो यहाँ पर साफ है कि बच्चों का जो बचपन होता है वो सिर्फ बचपन ही रहने दिया जाए तो ही ठीक है, लेकिन इस तरीके की जो राजनीति है उसे कहीं ना कहीं भुलाकर अब वक्त आ गया है कि बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इस देश का जो भविष्य है वो बच्चे ही हैं और ये बच्चे ही इस देश के भविष्य को आगे लेके जाएंगे, इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिलहाल आज के वंदे मातरम में इतना ही, आपको छोड़े जाते हैं पब्लिक पंच के साथ, नमस्कार। वेटर साहब, खाना सफेद प्लेट में लाओ या फिर पीली प्लेट में? ग्राहक बोलता है, दोनों में क्या रेट में फर्क है? वेटर, जी साहब, सफेद प्लेट का एक रुपया ज्यादा है। ग्राहक पूछता है, ऐसा क्यों? वेटर जी, सफेद प्लेट हम रोज साफ जो करते हैं। प्लम्बर सर, नल ठीक हो गया है, लेबर के 800 रुपए होते हैं। इंजीनियर, अरे एक घंटे की इतनी फीस तो मेरी भी नहीं है। प्लम्बर सर, जब मैं इंजीनियर था तो मेरी भी नहीं थी इतनी फीस। ओबामा, राहुल बताओ, अगर तुम्हें 5 मिनट के लिए भारत का प्रधानमंत्री बना दे तो तुम क्या करोगे? राहुल, हम मैगी बनाएंगे और क्या? ओबामा, अरे भाई मैगी क्यों बनाएंगे? राहुल, क्योंकि 5 मिनट में केवल मैगी ही बन सकती है। ओबामा, अगर तुम्हें 5 साल के लिए भारत का प्रधानमंत्री बना दें? राहुल, हम नहीं बनेंगे 5 साल के लिए। ओबामा, क्यों? राहुल, इतनी मैगी कौन खाएगा?